तो ऑफर भी दिया, बोले 60 घंटे हो चुके हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि विचार शाहीन बाग बनता जा रहा। दूसरी बात, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो वहां लोग बैठे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग कहे तो बात समझ में आता है, लेकिन तोड़ने की बात अगर शाहीन बाग से कही जाए तो वो नागवार गुजरती है। गौरव वल्लभ, आपसे शुरुआत करते हैं। जी प्रतीक जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि दिल्ली का चुनाव है, देश की राजधानी है, बहुत साक्षरता दर भी और प्रदेशों से ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है शाहीन बाग। क्या सड़क की बात होनी चाहिए कि शाहीन बाग की, कि बिजली की बात होनी चाहिए कि शाहीन बाग की, शिक्षा की बात होनी चाहिए कि शाहीन बाग की? परेशान हो गए, मतलब आप बोर नहीं होते? सुबह से शाम शाहीन बाग, हिंदू मुस्लिम, ये फलाना, तीन लोग गोलियां चलाते हुए दिख गए, हवाई गोलियां चलाते हैं। बजट बनाने का जिस व्यक्ति को काम दिया गया था, गौरव जी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हारे हुए लोग पॉलिटिक्स को गाइड नहीं करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिनको बजट बनाने की दायित्व दिया गया था वो बोलते हैं गोली मारो। किसको गोली मारो? चिन्मयानंद को गोली मारे कि सेनगर को गोली मारे कि ध्रुव सक्सेना, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता और आईएसआई का एजेंट था, उसको गोली मारे कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को मारे? किसको गोली मारे? अरे गोली मारो बेरोजगारी को, गोली मारो गिरती हुई जीडीपी को, गोली मारो प्राइवेट कंजम्पशन जो कम हो रहा है उसको, गोली मारो महिलाओं के प्रति जो राक्षस घूम रहे चिन्मयानंद के भेष में, उनको गोली मारो, उनकी मानसिकता को गोली मारो। और मैं तो इस परेशान हो गया मैं तो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल शाहीन बाग, मैं बात करना चाहता हूँ स्कूल की। ये कहते हैं शाहीन बाग की बात करो, मेरी एक इच्छा है कि दिल्ली चुनाव से पूर्व मेरा कोई भाई मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। मैं पिछले 6 साल में अगर कोई यूनिवर्सिटी बनी हो दिल्ली में, वहां जाके सेल्फी विथ यूनिवर्सिटी लेना चाहता हूँ, क्लिक। अगर पिछले 6 साल में कोई एक नया फ्लाईओवर बनाओ दिल्ली में तो सेल्फी विद फ्लाईओवर लेना चाहता हूँ। टेकिंग योर व्यू, बोल तो दिया इन्होंने, देखिए परेशान भी है, हताश भी है, इन्होंने कह दिया। बहुत मजेदार बात है, गौरव जी के मन की आक्रोश की अभिव्यक्ति आपने देखी कि वो इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, मगर वहां पे दिखाई इनकी पार्टी के नेता पढ़ते हैं। पूरे जलवाए जलाल के साथ जाके भाषण शाहीन बाग में कौन दिए? हमारा कोई नेता गया कि इनके गए? और तो और, इन्होंने कहा ये रोजगार की बात करना चाहते हैं, जीडीपी की बात करना चाहते हैं। आप सब ने देखा बजट सत्र संसद का शुरू हुआ, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सभी सदस्य कांग्रेस के काली पट्टी लगा के गए, किसके लिए? जीडीपी के लिए, बेरोजगारी के लिए या सीए के लिए? दिल में कुछ और, चेहरे पे कुछ और। बेदर्दी मेरे बालम की हर बात निराली है, बातें हैं मोहब्बत की दिल प्यार से खाली है। क्या बात है गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, आई एम कमिंग। आपको जीडीपी की बात करनी है, आपको दिल्ली की बात करनी है, सड़क पानी बिजली की बात करनी है, 30,000 कमरे इन्होंने स्कूल के बनाए, उसके साथ जीडीपी, वो सेल्फी नहीं लेना चाहते क्या आप? वो जो 30,000 कमरे इन्होंने स्कूलों के बनवाए। जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनसे भी पूछना चाहता हूँ, और ये बेदर्दी बालम जिसको बता रहे थे, बेदर्द बालम से भी पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी जब 10-15 साल तक जिनको सेवा करने का मौका दिया दिल्ली की जनता ने, प्रति वर्ष 36 स्कूल बने, आज 6 स्कूल ही क्यों बने? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में एजुकेशन की बात जो करते हैं, अगर मुद्दों पे बहस हो तो बहस होनी चाहिए कि 2014 में दिल्ली में 10वीं का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का 99.7% था, वो आज 65% क्यों हुआ? क्या शिक्षा की गुणवत्ता इससे नहीं नापी जा सकती? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूलों में 1.25 लाख बच्चों का क्यों कम हुआ दिल्ली में, वो बात बताओ। और मैं तो ये सीए मेरे बेदर्द बालम जिन्होंने मेरे को बोला, मैं बोलना चाहता हूं सर एक बात बताओ, आप ये बताओ कि गांधी जी ड्रामेबाज थे क्या? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गौरव? अरे ये नहीं, आप सुनिए, नहीं ये बात होनी जरूरी है, क्योंकि अनंत हेगड़े ने बोला गांधी ड्रामेबाज थे। क्या गांधी ड्रामेबाज थे? क्या आपके जो प्रवेश वर्मा जी बोलते हैं कि घर में घुस के माँ बहनों का रेप हो जाएगा, क्या आप उसको जायज ठहराते हो? क्या अनंत हेगड़े की बात कि गांधी ड्रामेबाज थे उसको जायज ठहराते हो? सीए एनआरसी की बात करते हो, वो कह रहे हैं कि गोड से आजादी दिलाई, आप मुझे बताओ, मेरे को आज इस सवाल का जवाब चाहिए, गांधी ड्रामेबाज थे क्या?
अगर नहीं थे तो बताओ कि अनंत हेगड़े जैसा देशद्रोही, मैं उसको देशद्रोही बोलता हूं, क्योंकि जो गांधी को गाली देता है वो देश का नहीं हो सकता। जो बोलता है गांधी ड्रामेबाज थे, गांधी ड्रामेबाज थे क्या? मैं भी इस देश की जनता से पूछता हूं कि क्या गांधी ड्रामेबाज थे? उन्होंने बोला गांधी ने आजादी नहीं दिलाई। आप सब लोग मानते हो गांधी जी ने आजादी दिलाई कि नहीं? सत्याग्रह ने आजादी दिलाई कि नहीं? वो व्यक्ति गांधी को गाली बोलता है और ये अभी उसको डिफेंड कर लेंगे? क्या अनुराग ठाकुर जैसा व्यक्ति? बात है नहीं सुनूंगा मैं। जो अगर गांधी को कोई गाली बोलेगा तो नहीं सुनूंगा मैं। मैं इस देश में रह के गांधी को गाली नहीं सुन सकता हूं। आप भले ही मुझे इस शो से बात करें, नहीं, 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 पर गांधी को गाली मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि काफी इन्होंने